डोकलाम मसले को लेकर पिछले 7 सप्ताह से अपनी मीडिया के जरिए लगातार भारत को सार्वजनिक रूप से धमकी देने वाला चीन अब पीछे हटने को तैयार हो गया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ब्लॉक डोकलाम के विवादित प्वाइंट से 100 मीटर पीछे हटने को तैयार है, लेकिन भारत उसे 250 मीटर पीछे हटाने पर अड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर चीनी मीडिया लगातार भारत को धमकी दे रही है। चीन के सरकारी अखबार चाइन डेली और ग्लोबल टाइम्स कह रहे हैं कि डोकलाम से भारत को अपनी सेना हटानी होगी, वरना उसे युद्ध झेलना पड़ेगा। चीनी अखबार यहां तक कह चुके हैं कि भारत के साथ सैन्य संघर्ष की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चीनी सीमा एवं महासागर मामलों के डिप्टी डायरेक्टर जनरल वॉन वेनली सीमा से कश्मीर और उत्तराखंड में घुसने तक की धमकी दे चुके हैं। हालांकि डोकलाम की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। फिलहाल चीनी सेना डोकलाम में 100 मीटर पीछे हटने को राजी हो गई है, लेकिन भारतीय सेना उसको 250 मीटर पीछे हटने को कह रही है। भारत की ओर से चीन को कहा गया है कि वह विवादित प्वाइंट से 250 मीटर पीछे हटे, जिसके बाद ही भारतीय सेना पीछे जाएगी। चीन ने कहा कि वह 100 मीटर पीछे हटने को तैयार है, लिहाजा भारत को अपनी पूर्व पोजिशन पर जाना चाहिए। इससे साफ है कि दोनों देशों की सेनाएं संघर्ष की बजाय विवादित क्षेत्र से पीछे हटने जा रही है। इस खबर के पहले चीन ने आधिकारिक रूप से डोकलाम में पीछे हटने से इनकार कर दिया था। ग्लोबल टाइम्स ने एक चीनी अधिकारी के हवाले से इसकी जानकारी भी दी थी।